जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी कहाँ से आए हैं? कुंडेश्वर धाम के पास करमाई ग्राम। करमाई। आप बागेश्वर धाम पे पहली बार आए या इसके पहले भी आकर के? 4 साल हो गई आपको। कई बार हो चुकी। क्या आप लोग आज बागेश्वर धाम पर आकर के कीर्तन और जो भी सुंदरकांड के पाठ, ये कितनी बार आप लोग यहाँ पर कर सकते? 51 हो चुकी। 51 हो चुकी। 51। अच्छा, क्या आप लोग कुछ मनोकामना थे जो पूर्ण हुए उसके बाद आप लोगों ने लिया था? क्या आपकी मनोकामना थे जो पूर्ण हुआ, जो ऐसा आप लोगों ने भाव किया? तबीयत खराब रहती थी, यहीं से ठीक हुई है। कितनी पेशी अभी तक कर चुके आप? 100 के ऊपर। 100 के ऊपर। क्या कार्य आप लोगों के इसमें ऐसे भी जो हो जिनके कार्य हो रहे हैं, या क्या भाव लेकर के आप लोग? सब पे उनकी कृपा। पेट में दर्द था, हमने बहुत दवाई करवा ली महाराज, लेकिन हमारी इसी आके अपने आप मिट गया। अच्छा, आपके दादा? हम बसुनी से यही कामना करते, सब खुशी आनंद उनकी कृपा है। हमारे छाले थे, छालों में से ब्लड ब्लीडिंग होने लगती थी, और बंदे और गुप्त अंगों में बहुत घाव पड़ जाते। कई लोग ऐसे कुछ गुरुदेव भगवान को बदनाम करने के लिए या उनके नाम के यहाँ आने पे कोई कार्य उनके ऐसे। और पहली बार आया था जब 5 दिन यहीं पे रुका था, छठवें दिन छोटे भाई का जॉइनिंग लेटर भी आ गया था। बोल बागेश्वर धाम की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक बागेश्वर धाम रहेगा। आप दादाजी, आप कैसे जुड़े यहाँ के जो भी मंडली से, या आप कहीं दूर से हैं या साथ में ही आते हैं? ग्रामस्थों करमाई। क्या दादाजी आपकी क्या मनोकामना थी जो पूर्ण हुई यहाँ से? हम तो महाराज पहली दफे आए, हम सब उनका हम तो अच्छा पहली बार ही आप आए। हम तो खूब आशीर्वाद है, जो आया वो प्रसन्न होके गया, यहाँ से कोई दुखी नहीं जाता है। कैसा लगता है आपको बागेश्वर धाम आकर के? आपको पूरी आत्मा में शांति हो जाती है। यहाँ जाते थे पहले जैसे आते थे, जो व्यवस्थाएं थी अभी की व्यवस्थाओं में? अभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, बहुत काफी सुधार। और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आप लोग बताना चाहते हो कि कुछ? अब सब जो हनुमान जी महाराज की कृपा है सो हो रहा। कोई ऐसी हो जो बागेश्वर धाम पर आप लोगों को लगता है कि वो सुधार हो, आप पूज्य गुरुदेव भगवान तक बात? जो प्रभु की इच्छा है हनुमान जी महाराज की वही होगा, बालाजी सरकार की जो इच्छा। परिक्रमा मार्ग भी पहले किससे? पहले ऊपर लगाते थे, अब नीचे लगाने लगे। अच्छा, पहले ऊपर ही लगाते थे, अब नीचे पूरे में लगाने लगे मंदिर को। आप पूज्य गुरुदेव भगवान के जो भक्त, आने वाले भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जो मनोकामना लेकर के आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबकी मनोकामना पूर्ण हो, हनुमान जी बागेश्वर से जी प्रार्थना करते, जो भी आपके दरबार में आए वो प्रसन्न होके जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान से आप सभी मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए हैं अभी तक? नहीं, दर्शन हो जाए, दूर से दर्शन हो, दर्शन मात्र से ही आप सभी के जीवन में लाभ हो। हम भी दूर से ही दर्शन कर लेते हैं, भभूति या भभूति से मिल जाती है मंदिर से। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।